सौरभ सिकदर जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये जो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल वो चुनाव को जीतने के लिए विरोधी दलों को परेशान करने के लिए कर रही है, 24 घंटे का ये धरना है चुनाव आयोग दिल्ली दफ्तर के सामने, क्या है इस पर टिप्पणी आपकी सौरभ सिकदर जी? नहीं, देखिए, मैं एक चीज आप लोगों से सबसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर अपराध करते हैं, कोई कहीं पे डाका डालते हैं, कोई किसी को मर्डर कर देते हैं, कोई देश के खिलाफ कोई साजिश करते हैं, उसके बाद चुनाव में खड़ा हो जाता है, तो जांच एजेंसियां के उनको छोड़ देंगे कि हम चुनाव लड़ रहे इसीलिए आपसे कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा? और जो मांग ये लोग कर रहा है, मैं स्पष्ट करके बोलना चाहता हूं, दूसरे पुलिस छोड़ के दूसरे एजेंसियों का इलेक्शन के साथ कोई प्रत्यक्ष योगायोग नहीं होता है। इसीलिए जब विरोधी दल या शासक दल जब कोई पुलिस अधिकारी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि पुलिस अधिकारी का डायरेक्ट चुनाव के साथ रिलेशन होता है, चुनाव का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस अधिकारी देखते हैं, जो सेंट्रल फोर्स का मुतायन होता है वो भी पुलिस अधिकारी देखते हैं, तो इसीलिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम कंप्लेन करते हैं, उसको चेंज किया भी जाता है। लेकिन ईडी, सीबीआई या एनआईए का चुनाव के साथ क्या संबंध है? क्या चुनाव प्रक्रिया में ईडी, सीबीआई या एनआईए का कोई प्रत्यक्ष रोल है? एक तो ये स्पष्ट कर दे। दूसरी बात है, मैंने जो जिससे मेरा यह शुरू किया कि कोई अगर अपराधी है, किसी के ऊपर पुराने मामला चल रहा है या नया कोई ऐसे संदर्भ आ रहा है, कोर्ट के निर्देश में यह जांचें चल रहा है, तो खाली चुनाव चल रहा है बोल के क्या उसको बख्श दिया जाएगा? ये कौन सी न्याय है? देश विरोध एनआईए जिसको अरेस्ट करने गया था, ठीक है, एक देश विरोधी धारा लगा हुआ था, तो क्या कोई देश विरोधी भी चुनाव में लड़ जाएगा वो, और हर केस से वो बरी हो जाएगा? ऐसे नहीं चल सकता है। बादल देवनाथ जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब टीएमसी को भी ये समझना होगा कि अगर इलेक्शन है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि जांच एजेंसियां अपनी पूरी जांच बंद करके इंतजार करें कि इलेक्शन खत्म हो जाए, और सभी प्रमुखों को बदल देने की मांग, आपको लग रहा है कि क्या वास्तव में ये व्यवहारिक मांग है टीएमसी की ओर से जो की जा रही है? क्या ये जांच एजेंसियों पर अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जाए? मैडम, आप इसी तरह से मत देखिए। बात है एक साजिश का। 26/3/2024, 26 मार्च को वो प्रदेश प्रदेश के भाजपा प्रदेश के एक लीडर है जितेंद्र तिवारी, उन्होंने 26/3 को शाम को एनआईए के एसपी के घर शाम को एक सफेद पैकेट लेके गया और 52-50 मिनट तक उनके साथ बात किया, मीटिंग किया। उसके बाद जब उसका घर से निकल रहे थे, तब उसका हाथ में कोई सफेद पैकेट नहीं था। मतलब क्या है? मतलब और एक बात है, एनआईए जो एक यहाँ पर का जब विरोधी नेता है शुभेंदु अधिकारी, उनका खास इलाका में वहां का जो लोकसभा चुनाव का जो सीट है आसन है, वहां पर जीतने के लिए जो साजिश किया, वहां पर एक एक अंचल एक एक शहर में कौन कौन टीएमसी लीडर को गिरफ्तार करना होगा, इसका साजिश किया भाजपा ने, और जितेंद्र तिवारी का जो दीवा पर जो इसके पास गया, इसके लिए आज इलेक्शन कमीशन के पास धरना दे रहा है, इलेक्शन कमीशन के बादल पास दा, ये टीएमसी के जांच संसद में हाई दिया कोर्ट के निर्देश और से चल रहा रिपोर्ट भी है। लिया। तीसरा बात है मैडम, तीसरा बादल बात दा, है, ये जांच जो है एनआईए एनआईए का भाई, हाई कोर्ट 2022 के का रिपोर्ट जो से चल रहा जांच था, है। 2022 हाई का कोर्ट ने ये लोकसभा जांच का चुनाव के ऑर्डर दिया समय था। टीएमसी के एक एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार करना एनआईए को लेके, ये तो भाजपा का प्रदेश भाजपा और सेंट्रल जो होम मिनिस्टर है, इनका इन लोगों का जो साजिश है इसके खिलाफ गया। जो एनआईए सीबीआई जो डायरेक्टर है, जो एसपी है, इन लोगों को अभी इलेक्शन के समय इन लोगों को हटाना चाहिए, क्योंकि इन लोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं, अरे इसलिए बादल आज यहाँ देवनाथ पर जी, वहां पर बार बार इलेक्शन आप लोग कमीशन ये के जो बाहर आरोप लगाते धरना चल रहा हैं, है। यही मैडम, एनआईए, यही ईडी, सीबीआई, ये यही सारी पार्टियां थी जब आपने 2019 के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती थी। 22 सीटें आपको मिली थी, 18 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2 सीटें उधर कांग्रेस के खाते में गई थी। मैडम, यही जांच एजेंसियां अभी थी। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी अभी को क्लीन स्वीप वहां पर करवा दिया गया था। जनता जो फैसला देगी
और ये जो बार बार आरोप लगा देना लोकतंत्र खतरे में है, ये है वो है, सर उसी लोकतंत्र के जरिए ममता बनर्जी ने प्रचंड अपने बहुमत वाली सरकार भी 2021 को बनाई है। तो जब आप जीते तब तो सब बहुत बढ़िया है, तब लोकतंत्र बिल्कुल सही चल रहा है, जब कोई दूसरी पार्टी मैम चल मैडम जीतने लगे पांच तो फिर सेकंड लोकतंत्र आपको वहां समय पर लूंगा, खतरे में हो जाता है। लेकिन मैडम आपने जो आरोप आपसे लगाए हैं, पांच जल्दी सेकंड से मैं समय लूंगा, संगीत रागी जी को लेकर आना चाहूंगी डिबेट में। मैडम 5 सेकंड और 5 सेकंड दीजिए, बोलिए मैडम प्लीज 5 सेकंड दीजिए। जो शिक्षा मंत्री था पहले, जो शिक्षा मंत्री था पार्थो चट्टोपाध्याय, मैडम 70 साल उम्र है, 1 साल नया महंगा जेल में है, लेकिन आज तक पैसा कितना सीबीआई निकला ने था एक भी उनके प्रूफ, गर्लफ्रेंड एक भी के पैसा चार्जशीट कितना अभी निकला तक था कोर्ट मैडम में का, पेश नहीं किया, उसके पास उनके कोई गर्लफ्रेंड प्रूफ के घर नहीं से है। पैसा कितना एक निकला सत्तर था, साल उम्र पार्थो दा आदमी का जो गर्लफ्रेंड के पार्थो घर से पैसा चट्टोपाध्याय है, कितना पार्टी को बराबर हुआ शासन किया था। गया, वो ना विधायक है ना कोई मंत्री है ना कुछ नहीं, लेकिन 1 साल नौ महीना हो गया मैडम, आज तक एक भी प्रूफ नहीं मिला सीबीआई को, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी वो जेल में है, सर एक ये तो साल नया कोर्ट की महीना, प्रक्रिया इसीलिए है हम ना, सब ये कह आम रहे हैं और खास में तो सीबीआई अंतर कर नहीं ईडी सकती। एनआईओ को सर लेके इस देश पूरे की कोर्ट की बंगाल में, प्रक्रिया हम पूरे सब देश जानते में जो हैं त्रास कि लगा है, वहां पर कोई इसीलिए भी हम सब मामला कह अगर रहे हैं जाता है तो वो विद्यालय कितने ने क्या स्लो कहा, तरीके से, ईडी कितना सीबीआई लंबा कर खींचता रहे थे है, और और जब जिसके तक वहां से खिलाफ आज पाकसा फोकर सिलेक्शन कोई कमीशन बाहर तो नहीं बाहर निकल जाता तब धरना तक तो वो प्रदर्शन कर आरोपी रहे थे। है। लेकिन संगीत रागी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सर आपकी बात हो गई, दूसरों को भी मौका देते हैं। संगीत रागी जी, लेकिन अगर राज्य सरकार को भरोसा में लिए बगैर एनआईए की टीम वहां पर जाएगी, कार्रवाई करेगी, तो क्या ये जायज है? अगर राज्य सरकार की पुलिस को वहां पर पता नहीं होगा कि एनआईए की टीम किसी को पकड़ने आ रही है, आधी रात को इस तरह की कार्रवाई होगी तो हमला होगा जैसा कि टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है, तो फिर क्या गलत है? राज्य सरकार को भरोसे में लेने में क्या दिक्कत है केंद्रीय एजेंसियों को? देखिए चित्रा जी, कायदे से तो यही होना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल एक अजूबा उदाहरण है जहां मुख्यमंत्री अपने पुलिस कमिश्नर के लिए धरने पर प्रदर्शन करती हैं। वहां की मुख्यमंत्री ऐसी हैं जो सीबीआई, मैम क्या आप एनआईए, जानते हैं, ईडी, इनकम टैक्स, इन सारियों एजेंसियों को पिटवाने में अपनी बहादुरी समझती हैं। हमने देखा है कि चुनाव आयुक्त के लोगों पर भी वहां पर हमले हुए हैं, ईडी पर भी हमले हुए हैं, सीबीआई पर भी हमले हुए हैं, तो कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा नहीं। एक आपने देखा कि संदेश खाली में किस प्रकार से ममता बनर्जी एक गुंडे और एक अपराधी को बचाने का काम करती है। जब आपके राज्य की पुलिस गुंडों के साथ खड़ी हो जाए, जैसा कि सीपीएम के जमाने में होती थी, सरकार और पुलिस में कोई अंतर, सरकार और पार्टी में कोई अंतर नहीं बच गया था, सीपीएम की गुंडई यहीं से चलती थी और ममता बनर्जी ने उसी को ले लिया है। अटैक इज द बेस्ट पॉलिसी। उनको पता है कि ये चुनाव हारने जा रही हैं, उनको पता है कि इस बार वो चुनाव में वैसा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। यही पश्चिम बंगाल है ना, जहां पर अनअपोज्ड हजारों लोग चुने जाते हैं पंचायत के चुनाव में। यही वो पश्चिम बंगाल है ना जहां पर टेरर के डर से चुनाव के पश्चात लोगों को अपने घर खाली छोड़ करके भाग जाने पड़ते हैं। और मजेदार बात है कि मेरे मित्र आशुतोष जो हैं वो कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, अरे सबसे ममता बनर्जी इज द मोस्ट कॉन्फ्रंटनेस लीडर, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास ही नहीं है। जिस महिला को यह कहने में गर्वान्वित अपने आप को महसूस करे कि मैंने पीएम का फोन नहीं उठाया, अरे भाई आप कटोरा लेकर के पीएम के पास जा सकते हैं और पीएम आपको हमेशा आगवानी और सम्मान देते हैं, लेकिन आप पीएम को बदमाशी और बदतमीजी करें, आप ये कहें कि हम हमेशा आप केंद्र कटोरा की नहीं, सर योजनाओं तुमने को आप राज्य अपने के यहां लिए लागू पैसे नहीं करने मांगने के लिए देते कोई हैं, भी चीज उसके मिनिस्टर साथ ज्यादा आप है ना, गुंडागिरी संगीत रागी करते जी? हैं। ठीक है, कोई भी अगर कटोरा लेकर जाएगा तो अपने राज्य के लिए क्योंकि पैसे आप मांगेगा ऑडिट ना, नहीं वो कराते अपनी हैं, जेब रखने के लिए तो पैसे इसलिए मांगेगा इसलिए नहीं, या फिर क्योंकि एक आप मुख्यमंत्री के ऑडिट लिए इस नहीं तरह की कराते भाषा हैं, का इस्तेमाल। आप अपने घपले को, नहीं, चित्रा जी, हाँ चित्रा जी, जानना जरूरी है देश को, क्योंकि अपने यहां मनरेगा के किसी भी प्रोग्राम का वो ऑडिट नहीं होने देना चाहती हैं, करप्शन नहीं निकलने जाता चाहती हैं, जो चोरी किया है उसको वो बचाने की साजिश कर रही हैं, इसीलिए सेंट्रल एजेंसियों का वो इतना विरोध करती हैं। आप जाकर के, आप कल एनआईए की टीम जो है ठीक बम है, ब्लास्ट के मामले में किसी के 2022 के बम ब्लास्ट के किसी को पकड़ने जा रहा है, आप उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन का चार्ज लगा देंगे। देश को तो आप लोगों ने लूटा है, देश को तो आप लोगों ने लूटा इलेक्ट्रल बंड के बाद तुमसे चोरी कौन किया,
चोरी तो मोदी जी अरे ने किया, भाई, चोरी तो ममता भाजपा ने बनर्जी से किया। ज्यादा लूटने चोरी वाला करने की कौन बात हो पूरी हो सकता जाए, है? संगीत रागी जी ममता की बात बनर्जी पूरी से हो जाए, ज्यादा आशुतोष लूटने जी से वाला जवाब है, कौन न्याय हो संघ जी सकता की बात है? पूरी हो जाए जल्दी से देश प्लीज बादल बचा, जी। मेक इन ठीक इंडिया है का ठीक मिशन है, चल हो रहा गई है, आपकी मेरा बात, मिशन प्लीज बादल पूरा, जी। कुछ नहीं हुआ, देश हाँ का ठीक है, मिशन एक बार मैं संगीत भाजपा रागी ने जी की बात पूरा। पूरी हो जाए, अरे बोलिए बोलिए हवा अपनी नहीं बात है, पूरी करिए भाजपा जल्दी का से, संगीत हवा जी। नहीं है। ऐसा है, और अब तो देखिए इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा ममता हो रहा है बनर्जी कि कहीं जितनी से, भी जांच एजेंसियां हैं उसके प्रमुख बदल दिए जाएं। संगीत जी, नहीं, जो मैंने 400 कहा कि पार का जो उनको वादा, जो उनको गारंटी दे रहे हैं मोदी बंगला जी, उनको वो बंगलादेशी हवा मुसलमानों नहीं पर है, विश्वास है, और उनको मिलके किया तो रोहिंग्याओं पर गिरफ्तार करने के विश्वास बाद, है, और लिंकन उनको गुंड को उनको सबसे गुंडे छोटे मावाली जो इंस्पेक्टर साहब के बांग्लादेश और सामने रोहिंग्या आया, से उन पर विश्वास उसके है, उसके लेकिन उनको बाद नहीं इस पूरे देश की देश में सीबीआई पर भाजपा का विश्वास कोई होगी, हवा नहीं न है, इस देश के 200 ईडी पार पर नहीं कर विश्वास होगी, सकते, न 400 इनकम पार टैक्स तो एजेंसी छोड़ पर उनको दीजिए, विश्वास उसके होगी। बाद ईडी सीबीआई वो को एक क्या महिला होगा, है, एक बार एक देख महिला लीजिए, उसके मुख्यमंत्री बाद जो चार अपने ढूंढ कहा अपने दीजिए, अपराधियों को, उसके अपने बाद प्रदेश भाजपा के का कोई अपराधियों हवा को, नहीं चूंकि है, वो पार्टी कोई का हवा नहीं है, एक्टिविस्ट 400 है, पार नहीं, उसके लिए 200 धरना पार नहीं प्रदर्शन होगा। करने चला जाए तो आप उनकी नैतिकता का तकाजा देख सकते हैं। ठीक है।